हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के जीएसटी से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी के पोर्टल पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेजर होते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और अभी जो रिसेंट आपका ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। तो ये क्या है, आज हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। इसे दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहें। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो जीएसटी के पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद सिंपली जब हम लोग डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको चार इलेक्ट्रॉनिक लेजर यहाँ पे दिख जाते हैं, राइट। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, उसके बाद सेकंड में आपका है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, थर्ड में है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, देन लास्ट जो कि इसे रिसेंट ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये बाय डिफॉल्ट हमें चार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लेजर दिख जाते हैं। अब किसको कहाँ पर किस तरीके से यूज करना है, ये है क्या, इसमें कौन सा डेटा रिफ्लेक्ट करता है, ये आज का हमारा टॉपिक है, राइट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में। अब ये क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में अगर कोई फिगर आता है तो वो डिमांड के अगेंस्ट में आएगा। किसके अगेंस्ट में आएगा, डिमांड के अगेंस्ट में आएगा, या हमने कोई गलती की इनपुट टैक्स को क्रेडिट लेने में और जीएसटीएन ने क्या किया, उसे रिवर्स कर दिया, राइट है, तो वो हम पर लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ दिखेगा, आईजीएसटी वाला है तो आईजीएसटी में, सीजीएसटी वाला और एसजीएसटी वाला है तो वो उसमें आपको फिगर रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का माने वही हो गया कि हमारे ऊपर कोई डिमांड ड्यू है जिसका कि पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग दूसरा देखते हैं, आपका है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कि सबसे पहले हम लोग वन को फाइल करते हैं, उसके बाद नंबर आता है थ्री बी का, और थ्री बी का माने ही मतलब होता है कि अगर हम पर लायबिलिटी कुछ बन रही है, राइट है, और हमारा आईटीसी उतना है नहीं, तो इसका माने क्या, तो क्या हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसका पेमेंट करना होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा कहाँ से आएगा भाई, ये कहाँ से दिखेगा, अगर आईजीएसटी का तो आईजीएसटी में, एसजीएसटी सीजीएसटी है तो इसमें पैसा रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्या अपने आप यहाँ पर वो पैसा दिख जाएगा, तो नहीं। तो ये कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मामला ये है कि आप अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे या करते हो, इसका माने आपको चालान बना करके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, तब जा करके बाय डिफॉल्ट इसका इफेक्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने जस्ट कहा कि अगर आपके ऊपर लायबिलिटी बनती है और आपके पास आईटीसी उतना है ही नहीं, तब तो गवर्नमेंट को उसका जो बैलेंस फिगर है वो तो पेमेंट करना पड़ेगा ना भाई। हाँ जी, करना पड़ेगा, तो कहाँ से करोगे, आपके पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट है ही नहीं। ऑफकोर्स इसका आंसर है हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसका पेमेंट करेंगे। तो ये फिगर यहाँ कैसे पहुंचता है, या तो आप एडवांस में भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो, राइट ना। तो ये हम लोग कहाँ से पेमेंट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग सर्विसेज में जाते हैं और यहीं पर आपको दिख जाता है पेमेंट, राइट है, यहाँ पर से हम लोग चालान को क्रिएट करते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पर एनी अदर पेमेंट पे आता हूँ, देन प्रोसीड। ये देखिए, जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो कैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने का भी एक तरीका होता है, यहाँ पर आपका मेथड दिया हुआ ई पेमेंट ओवर द काउंटर, आप किस तरीके से चालान का पेमेंट आप करते हो। अब सपोज मैंने यहाँ पर आईजीएसटी वाले में मैंने यहाँ पर फिगर डाल दिया 15,000 रुपया, बस हमारा यही पेमेंट था। अब हमने क्या किया ना कि यहाँ पर ई पेमेंट किया और उसके बाद हमने इसका सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया, तो इसका माने पैसा कहाँ से कटा, हमारे बैंक से पैसा कटाना भाई। तो कैश लेजर में यही 15,000 रुपया आपका पहुंच जाएगा, जैसे ही सक्सेसफुली हमारा ये हो जाएगा, इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के आईजीएसटी वाले कॉलम में आपको दिख जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मतलब कि हम जब अपने पॉकेट से चालान बना करके गवर्नमेंट को जब पेमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है,
जीएसटी पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, राइट है। चलिए हम अगेन यहाँ पर आते हैं डैशबोर्ड पे। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारा पैसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो आपको पता है कि जीएसटी आर 3B में अगर आपका कोई लायबिलिटी बन रहा है तो उसका एडजस्टमेंट आप कहां से करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के फिगर से करोगे, तो पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो पैसा रिफ्लेक्ट करना कंपलसरी है, भले ही आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा डेबिट हो चुका हो। कभी कभी डिले भी हो जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप उसके लिए ग्रीवांस भी रख सकते हो। अब उसके बाद आपका जो थर्ड आता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये क्या होता है? अब यहाँ पर देखो कि अभी कुछ फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है भाई? सी जीएसटी में इतना फिगर दिख रहा है, एस जीएसटी में इतना फिगर दिख रहा, और यहाँ पर हमारा आई जीएसटी जीरो है। पहले ये होता है क्या है? पहले मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसका माने आपने जिस सप्लायर से टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज को बाय किया है ना, उसने जीएसटी आर वन में आपको दिखाया ना। तो जब उसने जीएसटी आर वन में दिखाया और हमने क्या किया ना, जीएसटी आर 2B में जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो हमने उसका आईटीसी 3B में ले लिया। कहाँ ले लिया? जीएसटी आर 3B में हमने उसका आईटीसी ले लिया, क्लेम कर लिया और जीएसटी आर 3B का रिटर्न भी फाइल कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का माने मेरा आईटीसी, और आईटीसी ऑफ कोर्स आईजीएसटी के रूप में भी हो सकता है, और अगर लोकल है एसजीएसटी और सीजीएसटी के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये हमारा बचा हुआ है। क्या है? ये हमारा बचा हुआ है, यानी ऑफसेट करने के बाद जब आईटीसी हमारा बच गया तो वो यहाँ पर शो करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मामला आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा लास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने जस्ट कहा है कि इसे अभी ऐड किया गया है, ये अभी लेटेस्ट में है। इसका क्या माने मतलब होता है? जैसे कि क्या होता है कि जब हमने किसी सप्लायर से टैक्सेबल गुड्स से सर्विस को बाय किया, राइट है, हमने बाय तो किया, लेकिन अगर हमने उसका पेमेंट 180 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके आईटीसी को रिवर्स करते हैं, राइट है ना। तो फिर बाद में हम जब उसका पेमेंट करते हैं या करेंगे तो इन फ्यूचर हम क्या करते हैं? उसको रिक्लेम करते हैं, राइट है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हम आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक आपको लेजर दे रहे हैं, आप इसमें मेरे को ओपनिंग चढ़ा के दे दो, जो कि लेटेस्ट में ये हमसे डिमांड कर रहा है, राइट है, कि आप जब इसे रिक्लेम करोगे ना तो वो आपके ओपनिंग बैलेंस से वो लेस होगा। तो ये हमारे ऊपर ट्रैक रखने के लिए है कि अगर हमने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किया है, राइट है, और इन फ्यूचर जब हम उसको रिक्लेम करेंगे तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं भाई, पहले आप मुझे बता दो कि आपका कितना ओपनिंग बन रहा है, जो कि इन फ्यूचर आप उसको रिक्लेम करने वाले हो। तो ये भी यहाँ पर इसे ऐड किया गया है। इस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इससे पहले वाले वीडियो को भी आप देख सकते हो। जब हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में जा करके जब हम लोग डेटा को अपलोड करेंगे तो वो डेटा हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा। अगर उसका कोई एडजस्टमेंट होता है तो लेस होकर के दिखेगा, है ना। जिस तरीके से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिख रहा है, उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस भी दिखेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ जो फिगर आता है ना, वो लेस होने के बाद आता है, यानी कि फाइनली हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है। तो इस तरीके से जीएसटी के पोर्टल पे जो कि 4 इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे लेजर से बनते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से पूरा डिटेल में अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।